नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल में। आज मैं आपको ये पूरा मेमोरियल घुमाने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको इस मेमोरियल के बारे में पूरी जानकारी भी दूंगा कि यहाँ आप कैसे पहुँचें, क्या टाइमिंग है और हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आज देने वाला हूँ। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, इस मेमोरियल को एक पुस्तक के आकार में बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। इन्होंने इतिहास बनाया नहीं, इन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया। असमानता, अपमान, शोषण के उस पन्नों को इतिहास से फाड़ फेंका। इस म्यूजियम में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी सभी जानकारियाँ मिलेंगी, उनके इतिहास के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस म्यूजियम में है। दोस्तों अगर आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में करीबी से जानना है तो इस म्यूजियम में ज़रूर विजिट करें। तो आइए दोस्तों अब अंदर चलते हैं। सामने आप गेट देख रहे हो, यहीं से दोस्तों हम अंदर एंट्री करेंगे। दोस्तों यह मेमोरियल दिल्ली में अलीपुर रोड पर विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास में बना हुआ है। ये म्यूजियम के अंदर का दृश्य है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं बना सकते हैं। मैंने परमिशन लेके छोटी छोटी क्लिप बना ली थी। यहाँ पर पहुँचने की बात करें तो यहाँ पर आप दिल्ली के लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। इस मेमोरियल के नज़दीकी विधानसभा मेट्रो स्टेशन है। विधानसभा मेट्रो स्टेशन से इस मेमोरियल की दूरी लगभग 100 मीटर है। आप मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट में पैदल चलकर भी यहां तक पहुंच सकते हैं। इसके नज़दीकी विधानसभा बस स्टैंड है। आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से और आज़ादपुर से डायरेक्ट बसें यहां के लिए मिल जाएंगी। टाइमिंग की बात करें तो यह मेमोरियल सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है और हर सोमवार के दिन ये मेमोरियल बंद रहता है। इस म्यूजियम के अंदर दोस्तों गाइड भी हैं, अगर आपको गाइड की सहायता लेनी है तो आप गाइड भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी पिक्चर हैं या फ़ोटो हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ जानना है तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको इस म्यूजियम के बारे में सभी जानकारी देंगे। वो यहाँ पर गाइड का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में और संविधान के बारे में करीबी से जानकारी चाहिए तो आप इस म्यूजियम में ज़रूर विजिट करें, यहाँ पर आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में पूरा यहाँ पे बता रखा है, उनकी पुरानी पुरानी फ़ोटोएँ यहाँ पे लगी हुई हैं, उनके बारे में विस्तार से यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, आप गाइड की सहायता भी ले सकते हैं। इस मेमोरियल का मॉडल है दोस्तों ये, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत इस मेमोरियल को बनाया है दोस्तों। यहीं पर ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, यहीं पर दोस्तों वो रहते थे। अब उसे तोड़कर यहां पर ये मेमोरियल बना दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत मेमोरियल। और यहां पर आप उनके जीवन के बारे में, उनके योगदान के बारे में बहुत ही करीबी से आप जान सकते हो। यहां पर आप संविधान के बारे में बहुत ही करीबी से और डिटेल में जान सकते हो, संविधान क्यों लिखा, कैसे लिखा, संविधान में क्या लिखा हुआ है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे देख सकते हो जब उन्होंने संविधान सौंपा था तो कौन कौन व्यक्ति थे वहाँ पर मौजूद थे, तो उन सब के देखो यहाँ पे तस्वीरें बना रखी हैं, स्टेचू बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर LED स्क्रीन भी लगी हुई है, उस पर आप क्लिक करके, फ़ोटो पे क्लिक करके और भी ज़्यादा डिटेल में आप जान सकते हो। हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में ही आप यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यह उनका स्टडी रूम है, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ा करते थे। ये कमरा है उनका। सामने भगवान बुद्ध की बहुत ही प्यारी संगमरमर के पत्थर से मूर्ति बना रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग ध्यान लगा के बैठे हुए हैं भगवान का।
यहाँ पर आप आएँ तो 5 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने ज़रूर बैठें, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मूर्ति बना रखी है भगवान बुद्ध जी की यहाँ पे। सामने आप देख रहे हो ये भीमराव अंबेडकर का सेम पुतला बना रखा है, रोबोट है दोस्तों ये। इस रोबोट को देखकर ऐसा लगता है कि भीमराव अंबेडकर अभी भी जिंदा है। पूरा म्यूजियम घूमने के बाद लास्ट में आपको कैंटीन मिलेगी, आप कैंटीन में कुछ खा पी भी सकते हो। और यहाँ पर क्या खाने की चीज़ें हैं उनके सब प्राइस वगैरह यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, आप यहाँ पढ़ के अपना ख़रीद सकते हो। जब आप बाहर निकलोगे तो आप देख सकते हो बाहर यहाँ पे हाथों का एक्सप्रेशन है कि कौन सा हैंड क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये नमस्कार हो गया, इसका मतलब ध्यान हो गया, ये ज्ञान हो गया, तो ये संकेत यहाँ पे दिखा रखे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ऐसे करने से क्या होता है, तो सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। सांची का स्तूप आपने शायद देखा होगा या नहीं, तो वैसा ही डिज़ाइन दोस्तों यहाँ पे बना रखा है, ये देखिए। सामने भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है, उसे फूल माला चढ़ा रखी है। दोस्तों अब वीडियो को मैं ही समाप्त करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही खूबसूरत जगहों पर वीडियो बनाता रहता हूँ। आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल पर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगा एक ऐसी ही खूबसूरत जगह और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।